कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 14.1 अध्याय 14 सांख्यिकी उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम इन 5 आंकड़ों को लिख रहे हैं, जैसे कि पहला, अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या को हम एकत्रित कर सकते हैं। अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, इसे आसानी से एकत्रित की जा सकती है। दूसरा, अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, अपने विद्यालय के पंखों की संख्या। तीसरा, पिछले दो वर्षों के घर की घर की बिजली का बिल। चौथा, टेलीविजन या समाचार पत्रों में प्राप्त चुनाव परिणाम, जब भी चुनाव होते तो चुनाव का विश्लेषण टेलीविजन और समाचार पत्र देते हैं। पांचवा, शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त क्या साक्षरता दर के आंकड़े साक्षरता दर के क्या आंकड़े। इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गत वर्ष का परीक्षा परिणाम से प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के जो आंकड़े थे वो, पुनः जैसे वर्तमान में कोरोना पीड़ित व्यक्तियों की संख्या और उससे रिकवरी रेट, उसकी जानकारी हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा है अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, वैसे ही हम अपने घर में पंखों की संख्या को पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने विद्यालय का पिछले साल का बजट और इस वर्ष का बजट, इसकी जानकारी हम लगा सकते हैं। अपने घर का बजट पिछले 2 वर्षों का, वो हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में एक वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्राथमिक आंकड़े। ये होते क्या है, इसको ध्यान से समझ लो। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, और गौण आंकड़े वे होते हैं जो किसी अन्य के आंकड़े होते हैं और हम उनको उपयोग अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो देखिए, ऊपर जो 5 लिखे उसमें से हम देखेंगे कि कौन से आंकड़े प्राथमिक है। तो अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यह आंकड़ा क्या हुआ, प्राथमिक आंकड़ा। तो क्रमांक 1, अपनी कक्षा में काहे कि छात्रों की संख्या। दूसरा देखेंगे, दूसरा, अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, इसको भी हम स्वयं नाप सकते हैं। अपने
विद्यालय में पंखों की संख्या, और इसी में देखेंगे तो तीसरा आंकड़ा है क्या, पिछले दो वर्ष के घर की बिजली का बिल, ये भी हम एकत्र कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों के घर की बिजली का बिल, ये जो तीन आंकड़े अभी अपन ने लिखे, क्योंकि इन तीनों आंकड़ों को हम स्वयं ने एकत्रित कर सकते हैं और हमने एकत्रित किए, इसलिए ये आंकड़े कहलाते प्राथमिक आंकड़े। अब ध्यान से देखिए कि गौण आंकड़े कौन से हैं, जो अन्य के द्वारा एकत्रित किए गए हो लेकिन अपन ने उनको अपने उपयोग में ले लिया हो, ऐसे आंकड़े। तो ये हमारे पास चौथे नंबर का आंकड़ा, ध्यान से देखिए, टेलीविजन या समाचार पत्रों में प्राप्त चुनाव परिणाम, ये हमने नहीं बल्कि टीवी के जो एंकर है उनके माध्यमों से प्राप्त परिणाम है, ये हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किए गए, इसलिए ये आंकड़े कहलाएंगे गौण आंकड़े। तो चौथे नंबर का आंकड़ा क्या है, टेलीविजन या समाचार पत्र, टेलीविजन या समाचार पत्रों में प्राप्त चुनाव परिणाम, ये हमने, और इसी में पांचवा है शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े, ये भी किसी अन्य के परिणाम है, हमने उनका, हम उनका उपयोग यदि कर रहे तो ये आंकड़े कहलाते कौन से, गौण आंकड़े। तो क्या है, शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।